हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवाते हैं, एक अहम जानकारी जो इस वक्त सुबह सवेरे आपको देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ चुनावी रैली, आपको बता दें गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर में ये चुनावी रैली, सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो फिलहाल सुबह 11:50 पर हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां। दूसरे चरण के लिए जो है निकाय चुनाव के रण जो है लगातार सजा हुआ है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो चुनावी सभाएं हैं वो ताबड़तोड़ रहने वाली हैं। और आपको बता दें कि गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर में चुनावी रैली सीएम की रहेगी। मिनट टू मिनट कार्यक्रम यह रहेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेलो इंडिया का अनावरण भी करेंगे। पंकज गुप्ता संवाददाता मेरठ से अधिक जानकारी उनसे ले लेते हैं। पंकज, मेरठ में आज मुख्यमंत्री की चुनावी सभा रहने वाली है, क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं? क्योंकि कल जिस तरीके से मेरठ में घटनाक्रम हुआ था उसके बाद आज मुख्यमंत्री भी पहुंच रही हैं, ऐसे में क्या स्थिति और क्या इंतजाम? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री के दौरे की बात करें तो मुख्यमंत्री का 1 बजे मेरठ में पहुंचेंगे और 1 घंटा मेरठ में रहेंगे जिमखाना मैदान में। ऐसा पहली बार होगा कि 30 साल बाद कोई मुख्यमंत्री जिमखाना मैदान पहुंचेगा। और वही जो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी यानी कि हरिकांत अहलूवालिया उतारा है उसके जो पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और वही सुरक्षा की बात हो, सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम कर लिए गए, 500 से अधिक जो पुलिस कर्मी है वो सुरक्षा में लगाए गए हैं। जी ठीक है, लेकिन मेरठ का चुनावी माहौल कैसा है? बिल्कुल, चुनावी माहौल की बात करें तो जो सपा की और गठबंधन की बात करें तो यहाँ से सीमा प्रधान को टिकट दिया गया और फिर बीजेपी ने जो अपने यानी के दो योजना यानी के एक योजना में हरिकांत अहलूवालिया पहले भी जो है मेरा गए हैं और इस बार भी पार्टी ने उन पर विश्वास किया। दोनों यानी के सपा और बीजेपी दोनों के बीच यहाँ पर घमासान देखा जाएगा, लेकिन आने वाले जो समय है उन्हें ही बता पाएगा कि आखिर जो मेरठ की जो सीट है इसका आखिर सरकार बनेगा कौन। लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट कर रही है? बिल्कुल, सबसे पहली बात करें कि मेरठ में जो मुद्दे हैं, सबसे पहले पानी है, सड़कें हैं और जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा है, इन चीजों को लेकर जो है जनता वो इस बार वोट करेगी और लगातार जो लोग हैं वो इन चीजों को लेकर लगातार वो बात कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद पंकज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ है कि सड़क पानी ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर जनता वोट करेगी और आज सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे और ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां जो हैं सीएम की रहने वाली हैं। आज बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते हुए सीएम नजर आएंगे। पहले चरण का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है और अब जो स्थितियां हैं वो दूसरे चरण के चुनाव की हैं, ऐसे में सीएम लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं और आज भी मुख्यमंत्री का ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं वो रहने वाली हैं। और सुबह 11 बजे अमौसी एयरपोर्ट से रवाना सीएम होंगे, 11:50 पर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। तो फिलहाल सीएम के कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर में चुनावी रैली आज रहने वाली है। तो यूपी चुनाव के दूसरे चरण का रण जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ चुनावी रैली रहने वाली है। मेरठ और बुलंदशहर में हुंकार बढ़ते हुए नजर आएंगे, पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम वोट मांगेंगे।
तो आज की इन ताबड़तोड़ रैलियों को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं सीएम के, और क्योंकि दूसरे चरण में ये महत्वपूर्ण ऐसी जिले हैं जहां पर चुनाव होना है और इन पर पूरी तरीके से बीजेपी का फोकस है। राजीव मिश्रा गाजियाबाद से अधिक जानकारी दे रहे हैं। राजीव, गाजियाबाद में क्या चुनावी माहौल है? आज मुख्यमंत्री पहुंच रही हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस समय गाजियाबाद में मुख्यमंत्री का आगमन होगा वो समय लगभग 4 बजे का रहा होगा। 4 बजे जो ऑथेंटिक उनका जो कार्यक्रम दिया गया है वो 4 बजे का है। 4 बजे के बाद जब वो यहाँ आएंगे तो रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सुनीता दयाल उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उसी मंच पर जो कन्हैया कुमार जो हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार का भी आज प्रोग्राम लगा हुआ है और जिन्होंने वही कन्हैया कुमार गायक हैं जिन्होंने गाना गाया था कि हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो वो भी मुख्यमंत्री के साथ इस समय दिख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अन्य नगर पालिकाएं उनके जो पार्षद और पालिका के जो चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी हैं वो भी उस मंच पर आसीन होंगे। और तकरीबन 3 से 4 सभाएं हैं गाजियाबाद में, उनको चारों सभाओं को संबोधन करेंगे, अलग अलग समय पर वो सभाएं हैं, उसके बाद उनका प्रस्थान यहां से होगा। ठीक है, गाजियाबाद में अगर मैं चुनावी माहौल की बात करूं, राजनीति की बात करूं, तो क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद की अगर हम बात करें मेयर सीट की, तो मेयर सीट तकरीबन बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है क्योंकि वहां माहौल अच्छा है। लेकिन अगर अन्य की बात करूं, जैसे लोनी की बात करूं, तो लोनी में आपने देखा होगा कि सबसे लास्ट बिंदु पर आके एक तकरीबन आधा घंटा पहले नाम डिक्लेयर किया था प्रत्याशी का, और उस प्रत्याशी पर कई आरोप भी लगे, तो कहीं ना कहीं लोनी की सीट जो है फंसती हुई नजर आ रही है। तो इस पर जो आज बड़े आला अधिकारी हैं, इंडिया न्यूज ने इसको बड़ा प्रमुखता से दिखाया भी था कि जो गाजियाबाद के जो प्रभारी मंत्री हैं उनके साथ इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की थी, तो वो भी चिंतन और मंथन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सवर्ण वर्ग है वो कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर, टिकट की बंटवारी को लेकर नाराज है, उसका खामियाना जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मेयर सीट की बात करें तो मेयर सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई सीधी दिख रही है। और इस बार मुद्दे क्या है गाजियाबाद में, क्या समस्याएं हैं लोगों के सामने नगर निगमों में? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है नाली और पानी का जो निकासी है, जल निकासी की समस्या है, ये प्रमुख समस्या है। खासकर जो रोडे हैं, रोडे कहीं हद तक ठीक कर दी गई हैं, लेकिन पानी की निकासी की समस्या है वो अभी तक बदस्तूर जारी है। अभी तो हुई थी 2 दिन पहले एक बरसात हुई थी, अब बेमौसम बरसात थी और बरसात की वजह से जो पालिकाओं की जो पोल थी वो पोल जो खोल के रख दी थी, उस हल्की सी बरसात ने सड़कों पर तकरीबन 1 से 2 फुट पानी भर गया था और लोग गंदे पानी में निकलने को मजबूर थे, लंबा लंबा जाम देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें, ये समस्याएं जो है, ये प्रत्याशियों के सामने आने वाली हैं और यही इन्हीं मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर लेकर चर्चाएं होंगी। हालांकि गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में एक मुद्दा ये भी छाया हुआ है कि तकरीबन 8 लाख वोटर होने के बावजूद, गाजियाबाद में 8 लाख वोटर ब्राह्मण है, सवर्ण वोटर की बात करूं तो तकरीबन 12 से 13 लाख वोटर है, उसके बावजूद भी किसी एक ब्राह्मण को टिकट नहीं गया, तो खासकर ब्राह्मण वर्ग जो है खासा नाराज दिख रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद कहीं ना कहीं बीजेपी को देखने को जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे